हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद पैशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मालपुए की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल की। आज हम मालपुए बनाएंगे, चीनी और मैदे का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम गुड़ और गेहूं के आटे के साथ मालपुए बनाएंगे। बहुत ही और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, बनाने में एकदम आसान है और सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी मालपुए जो खाने में बेहद टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए अब रेसिपी को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम मालपुए बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में। गुड़ के साथ हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 ही चीज़ों के इस्तेमाल से हम बनाएंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, 2 कप गेहूं का आटा है। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब गुड़ है यहाँ पे। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पर सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ही आप बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मालपुए बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक कंटेनर ले लेंगे या बड़ा बाउल, उसमें हम गुड़ डालेंगे और 2 कप पानी के साथ इसको हम भिगो करके रखेंगे 3-4 घंटे। अगर आप इसको जल्दी और इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो गुड़ को आप थोड़ा सा कूट लें और गर्म पानी में भिगो दें, तो इससे आपका जो गुड़ है वो 10-15 मिनट में ही मेल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ फास्ट वाला प्रोसेस करूँगी, 10 मिनट में ही हम इसको करेंगे। तो पहले मैं गुड़ को कूट लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, गुड़ को मैंने यहाँ पर रफली सा कूट लिया है और ये 2 कप पानी है जिसको मैंने गर्म कर लिया है, इसको हम इसमें अब ऐड कर देंगे। 2 कप ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, 2 कप ही मैंने आटे का इस्तेमाल करना है इसमें। और गुड़ हमारा 200 से 250 ग्राम के बीच है। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पसंद है तो आप थोड़ा और गुड़ एक्स्ट्रा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से घुल नहीं जाता इसमें, या फिर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर ले ताकि गुड़ जो है जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए। एक बार ये दोस्तों बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी में हम आटे को मिक्स नहीं करेंगे, हम ठंडे पानी में ही आटे को मिक्स करेंगे। तो थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं जब तक कि ये अच्छे से इसमें घुल नहीं जाता। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, एकदम से अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो एक बार हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी वगैरह हो वो अलग हो सके। तो देखिए, इसमें जो छान वगैरह था वो हमने अलग कर लिया है। तो ये हमारे पास पानी है गुड़ का। दोस्तों, अब हम अपने मालपुए का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, ये मेरा 2 कप गेहूं का आटा है। ये हमने जो गुड़ छान करके रखा है ये इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों इसमें ऐड करेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि लम्स ना पड़े इसमें। तो करीब ये सारा हमारा पानी जो गुड़ वाला है इसमें चला जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। लम्प फ्री बैटर हम तैयार कर लेंगे दोस्तों, इससे बिल्कुल भी इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए। और इसको हम कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे ताकि हमारा बैटर अच्छे से फ्लफी हो जाए और हमारे मालपुए जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे इससे। तो इसे कम से कम हम 10 मिनट तक इसी तरह से फेंट, देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन 10 मिनट तक मैंने बैटर को फेंट लिया है। ये बहुत ही लाइट और फ्लफी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे इसी तरह की चाहिए, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो अब हम इसमें दोस्तों सौंफ ऐड कर लेंगे। दो चम्मच के करीब मैंने इसमें सौंफ ऐड कर दी है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो मालपुए के लिए हमारा बैटर दोस्तों बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो हम इसके इंस्टेंट मालपुए भी बना सकते हैं। तो अब हम इसके इंस्टेंट मालपुए बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों तेल अच्छा गर्म है, हम अपना मालपुआ इसमें पोर करेंगे। तो टेक्निक आप देख ले, इस तरह से हम एक बार में पोर करेंगे। फ्लेम थोड़ी मैंने कम ही रखी हुई है ताकि अच्छे से अंदर तक सिक सके। थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर डालते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये फ्लफी हो गया है, बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। जब एक तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम इसको टर्न करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, एक तरफ से गोल्डन, दूसरी साइड से भी इसको हम ऐसे ही अच्छे से गोल्डन होने देंगे। एक मिनट तक हम अच्छे से कुकने देंगे ताकि अंदर से जो है ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो सके, ताकि ये बाहर से भी गोल्डन होए और अंदर से भी कुक हो जाए। इसी तरह से दूसरी साइड से भी थोड़ा सा घुमा करके इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो हमेशा मालपुए को दोस्तों आप फ्लैट सरफेस वाले किसी बर्तन में ही फ्राई करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे मालपुए बहुत अच्छे बनते हैं। तो अच्छे से इसको हम ऐसे निचोड़ लेंगे ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल सके, और बाकी हम इसको हम टिश्यू के ऊपर निकाल देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल सारा निकल सके। तो इसी तरह से हम एक और मालपुआ अपना तैयार कर लेते हैं। साइज़ दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस साइज़ के मालपुए बनाने हैं, उतना आप बैटर फैला करके डाल लें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्लफी होकर फूल रहे हैं। एक साइड से गोल्डन होने तक हम इनको सेकेंगे, और जब एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो इसको पलट देंगे। बहुत ही स्पॉन्जी हमारे दोस्तों मालपुए तैयार हुए हैं, और बहुत ही हेल्दी हैं, आटे से बने हैं और गुड़ से बने हैं। हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया इसमें, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से हमने इनको बनाया है। एक मिनट तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से। और अच्छे से इसका तेल हम निकाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, इसी तरह से हम सारे मालपुए अपने तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर